हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आईएनसी का हैप्पी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये बहुत ही कलरफुल प्लांट है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। आप इस प्लांट को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस प्लांट का नाम हवाइयन टी है। ये जो प्लांट है इसे हवाइयन टी प्लांट के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, गुड लक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये बिल्कुल इंडोर प्लांट है और आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जब आपके पास कोई भी फ्लावर आपके गार्डन में ना हो तो आप इस प्लांट को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड करेंगे। जो हमारे गार्डन में फूल की कमी होती है उसके कमी को ये जो प्लांट है वो पूरा कर सकता है। इस तरह का कई सारे प्लांट आते हैं जो कि बिल्कुल कलरफुल पत्ते उसके होते हैं। इस तरह का प्लांट आप लाकर नर्सरी से अपने गार्डन में लगाकर कलरफुल बना सकते हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है फ्रेंड्स, इस प्लांट से मैं आज कटिंग लेने वाली हूँ। अभी जो है वो मानसून का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मानसून के सीज़न में इसके कटिंग को लगाया जाए। अगर आपके पास भी ऐसा प्लांट है और नीचे से जो स्टेम है उसके सारे पत्ते अगर नहीं है तो आप इसके कटिंग को इस समय पर लगा सकते हैं। इसे प्रोपेगेट करना बिल्कुल ही आसान है। हम इसे तीन तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह है दोस्तों कि आप इसे वाटर में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो शक्कर निकलते हैं उनसे भी हम प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और तीसरा जो है, हम कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके कटिंग को लेने वाली हूँ। कम से कम मैं यहाँ पर 4 कटिंग को इस प्लांट से निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसकी कटिंग को ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक कटिंग तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले कटिंग को भी ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा कटिंग। और जहाँ से सारे पत्ते रिमूव हो चुके हैं हम वहाँ से भी इसकी कटिंग को ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 4 कटिंग को ले लूँगी। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा पॉट है उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट को इसी तरह रख दिया था। और ये देखिए, अभी इस टाइम पे वो बहुत ही इजीली ग्रो हो गया है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग को ले लिया है। अब हम इस कटिंग के सारे जो लिप्स हैं उसे हम निकाल देंगे। आप इसके लिप्स को हाथ से ना तोड़े, किसी भी चीज़ से इसके लिप्स को काटे। मैं इसी तरह से सबके लिप्स को हटा दूँगी और ऊपर में 2 लिप्स को हम छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको भी इसके सारे लिप्स को हटा देना है और ऊपर वाले साइड में 2 लिप्स को हमें छोड़ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे लिप्स को इस तरीके से हटा दिया है। इसके बाद हम एक पॉट लेंगे और फिर हम उस पॉट में मिट्टी को डाल लेंगे। तो मैंने पहले से ही इसमें मिट्टी को डाल लिया है। इसके बाद हम साफ का फंगिसाइड मैंने लिया है और उसके बाद हम इस फंगिसाइड को मिट्टी में डाल देंगे और किसी चीज़ से इसे मिला देंगे। इसके बाद मैंने कटिंग ले लिया है, उस कटिंग में मैंने फंगिसाइड को लगा लिया है। इसके बाद हम मिट्टी में इसकी कटिंग को हल्का सा दबा देंगे। तो ये देखिए, मेरा ये कटिंग लग गया है। इसी तरह से हम दूसरे कटिंग को भी लगा लेंगे और बाकी जो बचे कटिंग है हम उसे भी मिट्टी में ही दबा देंगे। आप चाहे तो इसे वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, पर मैं इसे सोयल में ही लगा रही हूँ। उसके बाद फंगिसाइड जो है उसे मैं कटिंग के ऊपर वाले टिप्स पे भी लगा रही हूँ ताकि जो मेरा कटिंग है वो ख़राब ना हो। और जब ये लग जाए उसके बाद हम इसमें वाटर डाल देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इसके कटिंग को लगा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है दोस्तों तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप जल्दी से इसके कटिंग को लगा दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।